हेलो दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग HTML के पेजेस के बारे में सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने HTML के इंट्रोडक्शन की थी और आज हम लोग देखेंगे HTML के पेज कितने टाइप के होते हैं और किस किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों HTML जो पेजेस हैं वो दो तरह के होते हैं, स्टैटिक पेज और डायनामिक पेजेस। ठीक है, स्टैटिक पेज वो पेज होते हैं जिसमें ओनली टेक्स्ट और इमेजेस होती हैं। ठीक है, टेक्स्ट और इमेजेस को शामिल किया होता है, आप लोग उसमें कोई इंट्रैक्शन और चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, आप रीड भी कर सकते हो। स्टैटिक पेज एज द नेम इंडिकेट्स कंप्राइज स्टैटिक कंटेंट टेक्स्ट और इमेजेस। स्टैटिक पेज वो होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि जिसमें टेक्स्ट और इमेजेस का जो कंटेंट है वही शामिल होता है। तो यू कैन ओनली सी द कंटेंट, आप लोग सिर्फ उस कंटेंट को देख सकते हो ऑफ ए वेब पेज के ऊपर, विदाउट बीइंग एबल टू हैव एनी इंट्रैक्शन और चेंज। उसमें आप कोई चेंज और इंट्रैक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, जो डायनामिक पेज है यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है। जो डायनामिक पेज होता है यूज़र उस पेज को कुछ ना कुछ इनपुट देता है और उसके बदले में ये पेज उसको आउटपुट देता है। एग्जांपल में मैंने यहाँ पर लिखा, आप रीड कर सकते हो अच्छी तरह। जैसे डायनामिक पेज आर दोज वेयर द कंटेंट ऑफ द वेब पेज डिपेंड ऑन द यूज़र इनपुट। जो डायनामिक पेज होता है वो पेज होता है जिस पर ये पेज यूज़र पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस तरह का उसको यूज़र डेटा इनपुट करता है और उसी तरह का ये उसको आउटपुट शो करता है। सो इंटरेक्शन विद द यूज़र इज़ रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द वेब पेज। जो भी इसमें इंटरेक्शन होगी वो यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेब पेज डिस्प्ले करेगा। ठीक है, एग्जांपल दी हुई, जैसे कंसाइडर ए वेब पेज विच रिक्वायर्ड ए नंबर टू बी एंटर्ड फ्रॉम द यूज़र इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इफ इट इज़ इवन और ऑड। यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे कि यूज़र इवन और ऑड नंबर्स को फाइंड आउट कर रहा है। ठीक है, व्हेन यूज़र एंटर द नंबर, उस पेज पर यूज़र ने कोई भी इवन या ऑड नंबर एंटर किया और एक अप्रोप्रिएट बटन पर क्लिक किया, तो जो वेब पेज होगा द नंबर इज सेंड टू द वेब पेज। जो वेब पेज हो उस नंबर को वेब सर्वर को सेंड करेगा, उसके बदले में विच इन टर्न रिटर्न द रिजल्ट टू द यूज़र इन HTML पेज। उसके बदले में वो पेज जो नंबर सेंड किया था वेब सर्वर को, उसके बदले में उसको रिजल्ट पेज शो करेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है दोस्तों कि ये जो पेज है यूज़र की इनपुट पर डिपेंड करता है कि किस तरह की यूज़र इनपुट देता है और उसको उसी तरह की आउटपुट शो होती है। तो इस तरह जो HTML पेज हो दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।